नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। और बात कर रहे हैं आज एक बड़ी खबर के बारे में जो निकल कर आ रही है मुंबई की लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेनों से। जी हाँ, पिछले 3 महीनों में लोकल और एक्सप्रेस से गिरकर 114 यात्रियों की मौत हो चुकी है। लोकल के यात्रियों से प्रतिबंध हटने के बाद यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी और इसका नतीजा यह है कि लोकल के दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करना हमेशा की तरह एक बार फिर से खतरनाक हो गया। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान लोकल से गिरकर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जी हाँ, नए साल के पहले 3 महीनों में ही लोकल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से गिरने से 315 यात्रियों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह या शाम लोकल से उपनगरों में मुंबई जाने वाली यात्रियों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन अब भीड़ के कारण सफ़र जानलेवा होता जा रहा है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोकल में जगह नहीं होती, लेकिन लोग खिड़की पर दरवाजे के बाहर लटक के सफ़र करते हैं। नतीजन कई बार दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करते समय खतरनाक होता है। जी हाँ, इसी की वजह से संतुलन बिगड़ता है, कई यात्री घायल हो जाते हैं और कई यात्री दुर्घटना में मारे जाते हैं। रेलवे पुलिस ने कहा कि कुछ यात्री यात्रा के दौरान लोकल की गाड़ियों के दरवाजे के पास खड़े होकर जो है सफ़र करते हैं, जबकि अंदर भीड़ नहीं होती और वे लोकल से गिर जाते हैं। तो लगातार 3 महीनों की आंकड़े डराते हैं, इसलिए लोकल में यात्रा करने से पहले सावधानी बरतें और अंदर जाके बैठे दरवाजे में बिल्कुल ना खड़े रहें।